गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेज जनता ते आज तुहाडे नाल शेयर करांगे एलोवेरा दी सब्जी दी रेसिपी। इसलिए आपां ए दो पीस लेने एलोवेरा दे, ठीक है। इनू चंगी तरह वॉश कर लिया ते हुण इनू पील करके मम्मी इहदे स्लाइस करनगे, ठीक है। ते फिर नाल नाल तुहाडे नाल शेयर करदे आं। मम्मी हुण एलोवेरा नू पील कर रहे आ, उस तों बाद इहदे स्लाइस करांगे। हाँ जी, तुसी देख सकते हो एलोवेरा मम्मी ने पील कर लिया, तो हुण इनू पीसिस दे विच कट करोंगे। हाँ ओके, हुण मम्मी इनू कट करनगे, ठीक है। छोटे छोटे पीस कटांगे आए। ओके, लो जी एलोवेरा कट हो गया। इत्थे तुसी देख सकते हो पैन दे विच पानी बॉयल कर लिया आपां, ते इहदे विच ऐड कर देंगे सारा एलोवेरा। सो गाइज एलोवेरा आपां सारा पानी दे विच ऐड करता, ते हुण दो तो तीन मिनट लई इहनूं आपां कुक करांगे। उस तो बाद आपां एलोवेरा नूं अलग कर लांगे, पानी आपां कढ दांगे इहदा सारा। हाँ जी, अराउंड दो तो तीन मिनट तक आपां एलोवेरा नूं पानी दे विच बॉयल कर लिया। थोड़ा जिहा हुण एलोवेरा जिहड़ा कुक हो गया, ते हुण आपां इहदा इस तरीके नाल पानी अलग कर दांगे, एलोवेरा नूं आपां अलग कर लांगे। उस तो बाद आपां ठंडे पानी दी हैल्प नाल एलोवेरा नूं चंगी तरह नाल वॉश कर लांगे। सो गाइज़ हुण आपां एलोवेरा नूं फ्राई करांगे। कढ़ाई दे विच आपां ऑयल पा लिया, ऑयल जिहड़ा भी तुसीं घर यूज़ करदे हो उही पा सकदे हो, ठीक है। जिहड़ा असीं यूज़ करदे हां ओह ऑयल असीं कढ़ाई दे विच पा लिया, ते हुण आपां सारा एलोवेरा ऐड कर देंगे ते हल्का जिहा फ्राई करांगे एलोवेरा नूं। हाँ जी, इत्थे तुसी देख सकते हो एलोवेरा फ्राई हो चुके हैं। बस तीन चार मिनट लई आपां फ्राई करना हुंदा, ठीक है, ताकि जिहड़ा इहदा पानी है वह सुक जाए। तो हुण आपां फ्लेम ऑफ कर देंगे तो एलोवेरा नूं आपां बॉल दे विच कढ लांगे। सो या गाइज एलोवेरा नूं आपां बॉल दे विच कढ लिया। थोड़ा जिहा ऑयल तुसीं देख सकदे हो कढ़ाई दे विच बचिया होया, थोड़ा जिहा आपां होर ऐड कर लांगे। तो इसे सेम कढ़ाई दे विच आपां हुण तड़का रैडी करांगे। हाँ जी, तड़का लगाउण लई आपां इत्थे दो वड्डे साइज़ दे प्याज, थोड़ा जिहा अदरक, थोड़ा जिहा लसन ग्राइंड करके रख लिया एक बॉल दे विच, ते दूसरे बॉल दे विच आपां थोड़ा वड्डे साइज़ दा टमाटर ग्राइंड करके रख लिया। तो चलो फिर हुण आपां लगाउने आं तड़का। तो कढ़ाई दे विच ऑयल गर्म हो चुका, इहदे विच आपां प्याज ऐड कर देंगे। प्याज अदरक लसन मतलब कट्ठा ही आपां एक बॉल दे विच ग्राइंड करके रखा होया सी, वो सब कुछ आपां ऐड करता। तो प्याज नूं हुण आपां थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना। सो गाइज इत्थे तुसी देख सकते हो प्याज अदरक लसन सब कुछ पूरा चंगी तरह कुक हो गया, तो कलर भी बहुत वधिया आ गया, ब्राउन कलर आ गया। तो हुण आपां इहदे विच ऐड करांगे थोड़ा जिहा जीरा। जीरे नूं चंगी तरह मिक्स करन तो बाद आपां इहदे विच ऐड करांगे ग्राइंड किए हुए टमाटर। टमाटर ऐड करन तो बाद आपां चंगी तरह इस मसाले नूं मिक्स कर देंगे, तो कुछ टाइम आपां कुक करांगे, ठीक है। जदों टमाटर भी कुक हो गए फिर आपां इहदे विच ऐड करांगे नमक मिर्च हल्दी वगैरह। सो गाइज इत्थे तुसी देख सकते हो मसाला चंगी तरह कुक हो गया, हुण आपां इहदे विच नमक मिर्च वगैरह ऐड करदे आ। नमक मिर्च जो भी तुसी पाउणा वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउणा है, तो इत्थे असीं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पा रहे हैं, ठीक है। सब तो पहला इत्थे मम्मी ने ऐड करता नमक, उस तो बाद हल्दी पाउडर, ठीक है, तो फिर आपां ऐड करांगे इहदे विच रैड चिली पाउडर मतलब लाल मिर्च। उस तो बाद आपां पावांगे धनिया पाउडर, ठीक है। ये सब कुछ आपां ऐड करके मसाले नूं चंगी तरह मिक्स कर देंगे, तो तकरीबन तीन चार मिनट लई आपां कुक करांगे। लो जी मसाले नूं आपां तीन चार मिनट कुक कर लिया। नमक मिर्च वगैरह जो आपां ऐड कीता सी ओह वधिया पक चुकिया हुण, ते हुण आपां इहदे विच ऐड करांगे थोड़ा जिहा आमचूर पाउडर, ते उसदे नाल ही आपां एक छोटा चमच पावांगे चीनी। मसाले दे विच चीनी ते आमचूर पाउडर नूं चंगी तरह मिक्स करन तो बाद आपां दो मिनट लई तकरीबन पकावांगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। हाँ जी, तुसी इत्थे देख सकते हो मसाला पूरी तरह रेडी आ। हुण आपां इहदे विच ऐड करांगे एलोवेरा,
ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਆਪਾਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਯਾ ਗਾਈਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲੋਵੇਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨੀਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।